काम करने के लिए यार काम नहीं मिलता है, ना फैक्ट्री है ना कुछ। आपसे बोल रहा कि लगा देंगे, बहुत मुश्किल होता है, लटक के आना पड़ता है। उधर फैक्ट्री नहीं है तो क्या करेंगे, एकदम रहेंगे। अभी तो मेन रोजगार है बिहार में, रहता तो हम लोग इतना दूर जाता थोड़ी। अपना घर किसको नहीं पसंद है, बेरोजगार आदमी को रोजगार मिले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर है, जहाँ आपको बता दें कि दिवाली और छठ पर्व को लेकर लोगों की भीड़ आ रही है। अमृतसर हो या कहीं और हो, देख रहे ट्रेनों में किस तरीके से मारामारी हो रही है और काफी भीड़ है, ट्रेनों में काफी भीड़ है और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है और दूसरे प्रदेशों से, ये अमृतसर से आने वाली ट्रेन है, दिल्ली से आना हो कहीं से भी आना हो पूरी ट्रेन भरी हुई है। आप तस्वीरों में देखो किस तरीके से भरी हुई ट्रेन से आ रहे हैं लोग और काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लोग आ रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, लोग आ रहे हैं दूसरी तरफ से आ रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में सब्जी बेचता हूँ और क्या करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दिवाली छठ रहे हैं? नहीं, मम्मी का तबीयत खराब था इसलिए आया। क्या भाई साहब, किसी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से, पंजाब से। पंजाब से क्या क्या करने हैं? काम करने के लिए। और दिवाली छठ में आ रहे हैं? हाँ जी। कितना पैसा मिलता है काम का? 10,000। 10,000 रुपए एक महीने का हुआ जी। आपको कितना मिलता है? 10,000। कहाँ रहते हैं? हिमाचल। हिमाचल बिहार में काम नहीं मिलता है? बिहार में काम नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता बिहार में? क्या बोला जाता बिहार में? यार में क्या बोले जाए, कोई तरह का मतलब यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो काम कहाँ से मिलेगा? काम नहीं मिलता है, ना फैक्ट्री है ना कुछ है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में रोजगार, कब लगाएगा यार? कब से बोल रहा है कि लगा देंगे, लग नहीं रही है। क्या लग रही है फैक्ट्री? हाँ लगवाइए, लगेगी तो रहेंगे। हाँ जी, दिवाली छठ में यहीं पर है। कितना मुश्किल होता है आने में? बहुत मुश्किल होता है। कैसे आते हैं आप लोग? मतलब पूरी भीड़ आती है? पूरी बहुत भीड़ रहता है यार, अभी तुरंत सीट पकड़े हुए हैं, सामान बाहर है। सामान बाहर है जी, लटक के आना पड़ता है। हाँ, लटक के आना पड़ता है, अभी गेट से अभी तुरंत आए हुए हैं यहाँ। क्या भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? अमृतसर से। क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या चीज? चार पत्तल का। अच्छा, यहाँ रोजगार मिलेगा? रहेंगे बिहार में, नौकरी मिलेगी? रहेंगे। क्या कहाँ से आ रहे हैं? नहीं बोल पाते हम, कहाँ से आ रहे हैं? हम अमृतसर से आ रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ पर? राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं। हर बार हर बार जाना पड़ता है? हाँ जाना ही। अभी किस लिए आए? गाँव तो दिवाली चल रही है। अच्छा, रोजगार बिहार में मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो रहेंगे। तेजस्वी जी रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ मिलेगा तो रहेंगे। मिलेगा तो रहेंगे आप? हाँ रहे। क्या कहाँ से आ रहे हो भाई? क्या करते हो? मजदूरी। बिहार में क्यों नहीं करते? उधर फैक्ट्री नहीं है तो क्या करेंगे? बिहार में फैक्ट्री नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगाएंगे तो करेंगे बिहार में, बिहार में काम करेंगे। तेजस्वी जी सही, क्या कहाँ से आ रहे हो? कश्मीर से। क्या करते हो वहाँ पर? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो जी। अच्छा, बिहार में रोजगार मिलेगा तो रहोगे? एकदम रहेंगे। तो वो बाहर क्यों जाते हो? अभी तो मेन रोजगार है बिहार में, नहीं है रोजगार? कैसे है, रहता तो हम लोग इतना दूर जाता थोड़ी। बिहार में साल भर में सीजनल काम है, 3 महीना काम चलता है, 9 महीना के लिए मैनेज करना पड़ेगा ना सर। बिहार में अगर कल कारखाना लग जाएगा, जब पूरा भारत वर्ष बिहार के मजदूर कच्चा माल से चलता है और बिहार में कोई आज तक मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, चाहे यहाँ का कोई भी पार्टी का सरकार हो, तो बिहार का मतलब वो समझ लीजिए। रोजगार की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर रोजगार लगेगा तो रहेंगे। हाँ, सब कोई अपना घर किसको नहीं पसंद है, बिहार हमारा अपना घर। बिहार सरकार से अपील क्या करेंगे? यही कि जैसे और सब एडवांस स्टेट है उसके भांति बिहार में कल कारखाना खुले, बेरोजगार आदमी को रोजगार मिले, जो योग्य आदमी है बीए ग्रेजुएशन जो जो डिग्रियां किया है उसके हिसाब से उसको योग्यता के अनुसार काम और स्किल मिले,
यही नहीं एडवांस स्टेट का कोई। तो आपने सुना कि दूसरे प्रदेशों से जो मजदूर आ रहे हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बिहार में रोजगार होता तो हम बाहर क्यों जाते, बिहार में ही हमें रोजगार चाहिए। मुख्यमंत्री बिहार में लगातार रोजगार के दावे कर रहे हैं और उनसे अपील की है कि बिहार में ही उन्हें रोजगार मिले ताकि वो बिहार में ही रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, खुशियां मनाएंगे। तो मैं रही लाइफ के साथ।